लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर से वो सितारे लाइमलाइट में आ गए हैं जिन्होंने पुराने सीरियल्स में काम किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से महाभारत का रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। बीआर चोपड़ा की महाभारत फिर से लाइमलाइट में आ गई है और लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं उसमें किरदार निभाए जाने वाले सितारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भीष्म पितामह, दुर्योधन, अर्जुन, श्री कृष्ण, द्रौपदी के किरदारों के साथ साथ कुंती का किरदार भी काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो में कुंती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस थी नाजनीन। 70 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती थी। नाजनीन के बारे में अगर बात की जाए तो नाजनीन ने सारेगामा पास से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। साल 1972 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म को सत्येन बोस ने निर्देशित किया था। लेकिन आपको बता दें कि नाजनीन को बहुत ही कम फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला था। अक्सर इन्हें देखा जाता था फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस की बहन के किरदार में, जिससे नाजनीन काफी अपसेट रहा करती थी। दरअसल नाजनीन चाहती थी कि वो एक एयर होस्टेस बने, लेकिन उनकी माँ को लगता था कि कहीं फ्लाइट में दिन रात सफर करने की वजह से वो सुरक्षित ना रहे, और इसलिए नाजनीन को फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिला। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अपना करियर वो फिल्मों की दुनिया में ही बना ले। बता दें आपको नाजनीन के बारे में, तो नाजनीन बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं कर पाए। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में 22 फिल्मों में काम किया। चलते चलते नाजनीन की हिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है। इसके अलावा उन्होंने पंडित, पठान, हैवान, कोरा कागज जैसी फिल्मों में भी काम किया। वेल, आपको बता दें नाजनीन की खूबसूरती के बारे में, तो नाजनीन बेहद ही खूबसूरत दिखती थी और अपनी हॉटनेस को लेकर काफी सुर्खियां भी बटोरती रहती थी। दरअसल उस दौर में ये भी कहा जाता था कि नाजनीन के साथ काम कर चुके डायरेक्टर्स का मानना था कि नाजनीन का लुक जया बच्चन जैसा है, और इसी वजह से उन्हें कुछ फिल्मों में जया की बहन का किरदार भी मिला था। कोरा कागज फिल्म में काम करने के बाद सिर्फ बहन के रोल के लिए ऑफर ही मिले, लेकिन नाजनीन चाहती थी कि वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर उभर कर आए। उन्होंने बहुत से ऑफर्स को रिजेक्ट भी कर दिया था। वहीं साथ ही साथ नाजनीन अपने बोल्ड लुक को लेकर भी काफी चर्चा बटोरती हुई नजर आई जब वो फिल्म चलते चलते में बिकनी में नजर आई। कहा जाता है कि नाजनीन जाहिर करना चाहती थी कि वह सिर्फ बहन के किरदार निभाने के लिए नहीं बनी है, और इसके बाद नाजनीन को फिल्मों के ऑफर मिलना ही बंद हो गए, और फिर नाजनीन ने रुख कर लिया छोटे पर्दे की तरफ। साल 1988 में जब बीआर चोपड़ा का महाभारत दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ तो इसमें नाजनीन नजर आई थी कुंती के किरदार में, और इस किरदार को लेकर नाजनीन बेहद ही पॉपुलर हो गई। उन्होंने इस किरदार में काफी जान डाल दी और सभी नाजनीन को कुंती के किरदार में पसंद करने लगे। जहां एक और शो में बाकी सभी किरदार फेमस हो गए, तो वहीं नाजनीन ने हर जगह सभी को इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो नाजनीन फिर से चर्चा में आ गई हैं। जी हां, महाभारत में उन्होंने जिस तरीके से कुंती का किरदार निभाया, तो उसी वजह से नाजनीन एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन आज के समय में लोग जानना चाहते हैं कि नाजनीन कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं, कहां रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नाजनीन फिल्मों की दुनिया से दूर हो गई हैं। जी हां, नाजनीन ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था, इससे उनकी इमेज थोड़ी खराब सी हो गई थी। फिल्म चलते चलते में जब उन्होंने बिकनी सीन्स दिए तो इसके चलते तहलका मच गया था बॉलीवुड में। वहीं उन्होंने उस दौरान बिकनी पहनी थी, जिसकी वजह से नाजनीन को लेकर काफी खबरें सामने आने लगी थी। वहीं नाजनीन की पर्सनल लाइफ के बारे में आज तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। नाजनीन को फिल्में मिलना बंद हो गई तो वहीं टीवी इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने रुख किया। आज के समय में नाजनीन कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, ये अब तक किसी को नहीं पता चला है। वेल, आपको कैसा लगा नाजनीन के बारे में जानकर, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।